प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.5 की कुछ आइडेंटिटीज हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे और ये आइडेंटिटी को आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन टू एक्स प्लस वाई। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर जो x और y है इनमें कंफ्यूज न हो। यहाँ पर x का मतलब है फर्स्ट नंबर और y का मतलब है सेकेंड नंबर। मतलब एक ब्रैकेट में यदि कोई दो नंबर को प्लस करके हमें उसको क्यूब करना है, क्यूब का मतलब अपने आप से दो बार मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ x का मतलब है फर्स्ट नंबर और y का सेकेंड नंबर। इसको क्यूब करने पर जो हमारा आंसर आता है, दैट इज फर्स्ट नंबर का क्यूब, जो भी फर्स्ट नंबर हो, सेकेंड नंबर का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इंटू फर्स्ट और सेकेंड नंबर का प्लस। और इसी तरीके से यदि फर्स्ट और सेकेंड नंबर माइनस हो रही हो और उनका क्यूब करना हो, तो हमारा आंसर रहता है फर्स्ट नंबर का क्यूब माइनस सेकेंड नंबर का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इंटू फर्स्ट माइनस सेकेंड नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल 2a माइनस 3b क्यूब। अब हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर क्या है 2a और सेकेंड नंबर 3b। हमारी इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट नंबर का क्यूब मतलब 2a क्यूब माइनस सेकेंड नंबर का क्यूब दैट इज 3b क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू फर्स्ट माइनस सेकेंड नंबर। सॉल्व कीजिए, 2a का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब 8 होता है और a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27 होता है माइनस, इनको मल्टीप्लाई कीजिए तीनों को, 3 2 जै 6, 6 3 जै 18 एंड ए बी ब्रैकेट में है 2a माइनस 3b। नेक्स्ट लाइन में ये दोनों एज इट इज रहेंगे और माइनस 18ab को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट के बाहर यदि कोई नंबर हो तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होती हैं सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 18ab को पहले 2a से मल्टीप्लाई करो, 36 a और a स्क्वायर हो जाएगा b। अब माइनस 18ab को जब माइनस 3b से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, 18 3 जा 54 a एंड b की पावर 2 हो जाएगी। दिस इज आर आंसर। जब ये दोनों आइडेंटिटीज हमें अप्लाई करनी हो, फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है 102 क्यूब, अब इसका मतलब है कि 102 को हमने अपने आप से दो बार मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन इस फॉर्मूला की हेल्प से हम इसको बड़ा इजीली कर सकते हैं। कैसे, 102 को क्या लिखेंगे, 100 प्लस 2 क्यूब। हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट नंबर है 100 और सेकंड नंबर है 2। आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस सेकंड नंबर का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड नंबर ब्रैकेट फर्स्ट प्लस सेकंड नंबर। सॉल्व कीजिए, 100 का क्यूब क्या रहेगा, दिस वन इट इज 10 लाख, प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 600 एंड 100 प्लस 2। नेक्स्ट लाइन में ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम, 600 को पहले 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 60,000 प्लस 600 को अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 1200, तो हमारा आंसर रहेगा 1061208। ये हमारे 102 का क्यूब इस फॉर्मूला की हेल्प से हमने देखिए कितना इजीली कर लिया है। अब एक बार फिर से हम देखते हैं इस फॉर्मूला को, मैं दोबारा लिख रहा हूं, x प्लस वाई क्यूब। वैसे इसका मतलब क्या है, इस ब्रैकेट को अपने आप से दो बार मल्टीप्लाई करना। ये तीन ब्रैकेट्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनका आंसर क्या आता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अगर हम ब्रैकेट सॉल्व करके लिखते हैं तो क्या रहेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 3xy को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस वाई, 3x स्क्वायर वाई प्लस
3xy को y से मल्टीप्लाई करोगे तो 3xy स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में ध्यान दीजिए, ये जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड, ये कौन सी फॉर्म में है? आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में है, मतलब ये फैक्टर फॉर्म है, ठीक है। और ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपेंडेड फॉर्म, क्योंकि इसकी सभी टर्म्स आपस में क्या हो रही है? प्लस। तो जब सभी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे कि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये फैक्टर फॉर्म है, और जब आपस में प्लस माइनस हो रही हो तो वो एक्सपेंडेड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका, उसमें हमको ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए ध्यान से आप अपनी बुक में, ये कौन सी फॉर्म है बताइए? एक्सपेंडेड फॉर्म, और इसको हमने फैक्टराइज करना है, मतलब हमें ये वाली फॉर्म लेकर आनी है, ये वाली। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें, क्यूब क्यूब, तो ये वाली फॉर्म है। इस फॉर्म में इसको अच्छे से कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्यूब, सबसे पहले इसको होल क्यूब बनाएंगे। ये क्यूब सिर्फ एक आया, होल क्यूब बनाने के लिए 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 2a क्यूब। तो हमारी फर्स्ट नंबर हमारे पास है 2a, प्लस बी क्यूब, ये फुल है ऑलरेडी, तो हमारी सेकेंड नंबर क्या है? बी प्लस। अब ये देखिए हमारी जो थर्ड टर्म है वो है 3x2y, मतलब 3 इंटू फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इंटू सेकेंड नंबर। तो 12a2b को स्प्लिट कीजिए 3 इंटू फर्स्ट नंबर क्या है? 2a, 2a का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है ना, x का मतलब फर्स्ट नंबर, इंटू y मतलब सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या है? b। हमने 12a2b को इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में 3 इंटू फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इंटू सेकेंड नंबर। चेक कीजिए क्या हमारा आंसर सही है। 3 इंटू 2a का स्क्वायर क्या होता है? 4a2। तो 4a2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 12a2b, ये हमारा आंसर सही है। प्लस अब ये देखिए जो लास्ट टर्म है 6ab2, ये वाली है लास्ट टर्म हमारे फॉर्मूला की। लास्ट टर्म क्या कहती है? 3 इंटू एक्स, एक्स मतलब फर्स्ट नंबर और वाई मतलब सेकेंड नंबर, यहाँ सेकेंड नंबर का स्क्वायर है, इसको स्प्लिट करते हैं 3 इंटू एक्स मतलब फर्स्ट नंबर 2a हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटू सेकेंड नंबर का स्क्वायर, सेकेंड नंबर क्या है हमारी? b। चेक कीजिए क्या ये 6ab2 आता है? यस, 3 2 6ab2। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या होता है? x प्लस वाई क्यूब, मतलब इस पूरे क्वेश्चन का हमारा फैक्टर फॉर्म क्या रहेगा? 2a प्लस बी क्यूब, दैट इज 2a प्लस बी, 2a प्लस बी एंड 2a प्लस बी, ये आ गई हमारी फैक्टर फॉर्म। समझ में आया आपको? ध्यान से देख लीजिए, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये हमको एक्सपेंडेड फॉर्म की मन है, मतलब हमारे फॉर्मूला की ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये फैक्टर फॉर्म है। हमको इस फॉर्म को इसमें चेंज करना है हमारे क्वेश्चन में। तो हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर जो है 8 क्यूब टर्म है जो ये, इसको होल क्यूब बनाया है 2a का, तो ये हमारी फर्स्ट नंबर आ गई, x की जगह 2a मतलब फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर हमारी b है, थर्ड 12a2b को हमने स्प्लिट किया 3 इंटू फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इंटू सेकेंड नंबर, प्लस फोर्थ टर्म को हमने चेंज किया 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है? 3xy2 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट प्लस सेकेंड नंबर का क्यूब। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हम फिर से एक बार इस फॉर्मूला पर ध्यान देंगे, एक्स प्लस वाई क्यूब, मतलब फर्स्ट प्लस सेकेंड नंबर का जब हमें क्यूब करना होता है, हमारा आंसर होता है फर्स्ट क्यूब प्लस सेकेंड क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड। ध्यान दीजिए ये पूरी एक टर्म है, क्योंकि ब्रैकेट और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है, यहाँ पर 3 टर्म्स है टोटल। इस क्वेश्चन में इस पूरी टर्म को उठाकर हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, ये पूरी टर्म यहाँ क्या हो रही है? प्लस, तो यहाँ आकर क्या हो जाएगी? माइनस। यहां पर क्या बचा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, गॉट इट?
अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में देखिए दो ही टर्म है, एक तो x प्लस वाई क्यूब और दूसरी है 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इन दोनों में x प्लस वाई यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, और यहाँ तो तीन बार है ही, x प्लस वाई को हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो यहाँ तीन बार था, एक बार तो बाहर आ गया, कितने बचे x प्लस वाई स्क्वेयर माइनस, यहां से x प्लस वाई चला गया तो क्या बचा 3xy इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। फर्दर एक्स प्लस वाई, अब एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है हमने किया था ना, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy तो है ही साथ में, एज इट इज लिखिए इसको। फर्दर नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है ही, 2xy में से 3xy को माइनस कीजिए, माइनस एक्स वाई, ये हमारा एक और फॉर्मूला बन गया है, ध्यान से देखिए, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा ये है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, इसका आंसर ये होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमने बनाया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका आंसर ये होता है, दोनों अलग हैं, मैं फिर बता रहा हूँ ये दोनों अलग अलग हैं, अधिकतर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, दोनों को सेम समझ लेते हैं, ये अलग है और ये अलग है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को अपने माइंड में रखना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक अलग फॉर्मूला है और एक्स प्लस वाई क्यूब एक अलग फॉर्मूला है, इन दोनों को ध्यान में रखना है आपने। ये क्वेश्चन नंबर जो 9th है ना आपका, वो ऐसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर 9th का फर्स्ट पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 9th का ही जो सेकेंड पार्ट है ध्यान से देखिए, वो हमारी इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड करके किया गया है, एक्स माइनस वाई क्यूब, इसमें हमने क्या किया देखिए, यहाँ पर जो थ्री टर्म्स है ना, ये इस टर्म को उठाकर हम लेफ्ट साइड पे ले आए, जो कि यहाँ प्लस हो गई एक्स माइनस वाई क्यूब में, और राइट साइड में हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। फर्दर इन दोनों में एक्स माइनस वाई हमने कॉमन लिया, तो यहाँ जो पावर थ्री थी वो कितनी रह जाएगी, टू, और इस टर्म में x माइनस वाई बाहर निकल गया तो क्या रह गया 3xy। नेक्स्ट स्टेप में हमने x माइनस वाई स्क्वायर को एक्सप्लोर किया है, जो कि क्या आंसर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, 3xy तो साथ में था ही, राइट हैंड साइड एज इट इज चलेगी। नेक्स्ट स्टेप में x माइनस वाई एज इट इज चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2xy प्लस 3xy को सॉल्व करके क्या लिखा हमने, xy। तो ये हमारी एक और आइडेंटिटी बन गई है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आंसर रहता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, और ये जो फॉर्मूला है ये इससे अलग है, ध्यान में रखिए इन दोनों को एक समझना, ये दोनों अलग हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अलग है एंड एक्स माइनस वाई क्यूब अलग है। इन्हीं आइडेंटिटीज पर बेस्ड हम ये क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ 27 इंटू वाई क्यूब प्लस 125 इंटू जेड क्यूब दिया हुआ है, इस पूरी टर्म को हम होल क्यूब बनाते हैं क्योंकि ये क्यूब सिर्फ वाई का है, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो ये बनेगा 3y होल क्यूब प्लस ये 125 किसका क्यूब होता है 5 का, तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन गई, दिस वन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्या आंसर होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स का मतलब फर्स्ट नंबर और वाई का मतलब सेकेंड नंबर, अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार हम, ये हमारा फॉर्मूला है, हाँ जी, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट प्लस सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है 3y प्लस सेकेंड नंबर क्या है 5z, उसके बाद फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 3y प्लस सेकेंड नंबर 5z का स्क्वायर माइनस फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, यहां पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं,
थ्री वाई का स्क्वायर क्या रहेगा, 9y स्क्वायर। 5z का स्क्वायर रहेगा 25z स्क्वायर। माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 15yz, दिस इज योर आंसर। तो बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आपको एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के सभी सम्स की प्रैक्टिस करनी है। दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।